नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय, संजय जोशी, संजय लाधवा। दोस्तों आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आ गया हूं कि आपका फर्स्ट व्लॉग वायरल नहीं हुआ तो आप क्या करें, उसमें सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं, व्यूअर्स नहीं आ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो। दोस्तों पहले तो कल मैंने जो वीडियो डाला था उसमें एक भाई एक व्लॉगर का मैसेज आया था कि मेरे चैनल देख लो। मैंने उस व्लॉगर की चैनल देख ली है, सागर निषाद व्लॉग, आप नोट कर लीजिए, सागर निषाद व्लॉग। आप उस भाई को सपोर्ट कर सकते हो, 100 यूट्यूबर है, उसने थंबनेल भी बहुत बढ़िया लगा रखा हुआ है और बैनर भी बहुत बढ़िया है और वीडियो भी अपना बहुत अच्छी तरीके से उसने मैनेज किया हुआ है। तो आप जाके पहले उसको सुबह तक पाँच से सब्सक्राइब दे दीजिए और उसका वीडियो आप देखिए, और एक बार सब्सक्राइब करने के बाद उसको आप कभी अनसब्सक्राइब मत करना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और निषाद भाई मैं भी आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको व्लॉग में आगे बढ़ना है तो आप बड़े व्लॉग से कुछ नहीं ले पाओगे, आप छोटे यूट्यूब छोटे व्लॉग को देखें, वहाँ से कुछ आपको देखने को वहाँ से कुछ आपको मिलेगा कि वो छोटा व्लॉगर है वो किस तरह से वीडियो बनाता है, वो अपने वीडियो में क्या क्या करता है। तो आप आपस में जुड़ जाओ, छोटे छोटे व्लॉगर जो छोटे यूट्यूबर हो आप साथ में मिल जाओ। सब कहते हैं कि नहीं मिलना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि एक से लेके 1000 तक जिसके सब्सक्राइबर हो, नया यूट्यूबर हो, तो आमने सामने सब्सक्राइब करो। और एक व्लॉगर एक व्लॉग बनाने वाला दूसरा छोटा व्लॉग बनाने वाले का वीडियो देखो, क्योंकि जो बड़ा यूट्यूबर है वो तो आपका वीडियो देखेगा नहीं, आपको सब्सक्राइब नहीं करेगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आगे बढ़ चुका है, उसको आपकी कुछ ज़रूरत नहीं है, वो आपको कुछ अच्छी तरह से आपको कुछ सिखाएगा नहीं किस तरह से आप व्लॉग बनाओगे तो आप आगे बढ़ सकोगे। इसलिए मेरे आपसे हर व्लॉग से जिसने भी मेरे फोन में बहुत ज़्यादा कमेंट आई हुई है उन सब से कहना चाहता हूँ कि आप 1 से लेके 1000 तक जिसके सब्सक्राइबर है वो आपस में मिल जाओ और एक दूसरे का वीडियो देखो, वहाँ से आपको सीखने को मिलेगा कि किस तरह से वीडियो बनाना है, उसने किस तरह से वीडियो बनाई है तो मुझे किस तरह से बनानी है। और दूसरी बात कि आप कभी लाइव सेट में नहीं जाना, लाइव सेट में आप कभी मत जाना, क्योंकि जो लाइव सेट होते हैं ना वो आपको 5, 6, 10, 15 सब्सक्राइबर दे देंगे जो आपस में मिले हुए हैं। मैं इधर अकेला बैठा हूँ लेकिन वो जब वो लाइव होते हो तो 10-10 लोग बैठते हैं, और 10 लोग जब बैठते हैं तो आपका वॉच टाइम ले लेता है, आप 2-3 घंटे उसके सामने बैठते हो और वो जो बोलता है उस तरह के आप कमेंट करते हो उसके कमेंट बॉक्स में लाइव, और जब वो नंबर बोलता है कि चलो मैं 28-2-1 यानी 21 नंबर देता हूँ, तो आपका आपका नंबर दबाने से पहले वो 10 लोग नंबर दबा देंगे और वो बोलेगा वो पहले नंबर से नंबर पे आया ए यूट्यूबर, तो चलो सब उसको लाइक करो सब्सक्राइब कर दो और उसको सब्सक्राइबर मिल जाएगा। फिर कभी आपका नंबर लग गया 2-3 घंटे की मेहनत के बाद आपका नंबर लग गया तो आपको 10 सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, लेकिन सुबह होते होते वो 10 के 10 सब्सक्राइबर चले जाएंगे, आपका टाइम चला गया, आपका सब्सक्राइबर चला गया, और उसका आप उसके एक सब्सक्राइबर आपने उसके चैनल सब्सक्राइब की और उसको मिल गया एक सब्सक्राइबर, और 10 लोगों का नंबर लगा तो 10 से 10 लोगों को आपने सब्सक्राइब किया तो उसको भी सब्सक्राइबर एक मिल गया, और आपने 2 घंटा उसकी चैनल देखी, 2 घंटे तक उसकी चैनल देखी तो 2 घंटे का वॉच टाइम उसको मिल गया, आपको क्या मिला? कुछ नहीं। इतना टाइम अगर आप अपना खुद का वीडियो बनाने में लगा देंगे तो आपकी वीडियो आगे वायरल होगी, मैं 100% कहता हूँ।
और किस तरह से होगी वो मैं सब आपको सिखाऊंगा अपने वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मैंने जो ये चैनल बनाई हुई है वो छोटे व्लॉग के लिए बनाई हुई है, क्योंकि बड़े वाले तो आपको कुछ नहीं समझेंगे कि चलो ऐसे तो यूट्यूब में आते हैं जाते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी क्यों मदद करें। लेकिन आपको आगे बढ़ना है तो दूसरों को लेना पड़ेगा, दूसरों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तब आपको कोई सब्सक्राइब करेगा। इसलिए आप मैं कभी अपना सेट फोन दिखाऊंगा तो मैंने कम से कम 1000 से 1500 ऐसे लोग को सब्सक्राइब किया हुआ है जिनका 1 से लेके 1000 तक ही सब्सक्राइबर होते हैं। मैंने 1 लाख 1 मिलियन जिसके सब्सक्राइबर है उसको कभी सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि उसको तो ऑलरेडी अपना यूट्यूब में अपना कुछ बना सके और आगे बढ़ चुके हैं, तो उसको आगे बढ़ाने में हमारा कोई काम नहीं है। हम अब किसको आगे बढ़ाएंगे जो हमें आगे बढ़ा सकता है, हमको जो आगे ले जा सकता है, हमको कौन ले जा सकता है? नए यूट्यूबर जिसके पास 1 यूट्यूबर है, 1 सब्सक्राइबर है, 2 सब्सक्राइबर है, 3 सब्सक्राइबर है, वही हमें आगे ले जा सकता है। तो चलो हम साथ मिलते हैं और एक दूसरे का चैनल सब्सक्राइब करते हैं। जो मेरे जो लोग जो नए यूट्यूबर जो नए व्लॉग बनाने वाला है वो मेरे साथ जुड़ जाओ, और जो लोग मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं उसके चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करेगा और अब हम सब मिल के आगे जाएंगे। हम एक दूसरे का वीडियो भी देखेंगे क्योंकि वॉच टाइम का भी हमें जरूरत है, इसलिए हम एक दूसरे का वीडियो भी देखेंगे और एक दूसरे को सब्सक्राइब भी करेंगे और कभी उसको अनसब्सक्राइब नहीं करेंगे। चलो जो मैंने पहले जिस व्लॉगर का नाम दिया उस व्लॉगर को मेरे सामने वाले जो कोई व्लॉगर है वो उसको अभी सुबह होते होते उसको सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, तो मैं उसका नाम देता हूँ सागर निषाद व्लॉग। उस भाई को हमें मिलकर सब्सक्राइब करना है, कम से कम 5 तो सब्सक्राइबर उसको मिलने ही चाहिए, कम से कम 5 सब्सक्राइबर उसको मिलने ही चाहिए, और वो कभी वापस नहीं जाने वाले आना चाहिए। उस भाई को हम आगे बढ़ाएंगे और उस भाई को हम बोलेंगे अपने वीडियो में आप कुछ नया दिखाओ, खेल कूद सिर्फ नहीं दिखाना है, आप बच्चे हो छोटे हो तो आप अपने स्कूल का कुछ दिखा सकते हो कि आपने आज क्या पढ़ा, आपने आज क्या सीखा, वो अपने ब्लॉग में डालते रहे ताकि दूसरे बच्चे लोग जब आपको देखे आपका ब्लॉग देखे तो वो आपसे कुछ इम्प्रेस हो, आपसे कुछ सीखे कि चलो इसने आज कुछ अच्छी पढ़ाई की तो मैं भी अच्छी पढ़ाई कर लूँगा, आज मैंने कुछ अच्छा होमवर्क किया तो मैं भी कुछ अच्छा होमवर्क कर लेता हूँ, तो ही उसके फैमिली लोग आपका व्लॉग उसको देखने देंगे ना। आपने कुछ अपने व्लॉग में उस बच्चे के लिए अच्छा किया हुआ है तो ही वो लोग उसके फैमिली वाले मम्मी पापा भाई बहन आपका व्लॉग देखने देंगे कि चलो ये व्लॉग देख के तो ये हमारा बच्चा कुछ सीख रहा है, कुछ पढ़ाई कर रहा है, को वो होमवर्क कर रहा है। इसलिए आपके वीडियो में आप कुछ ऐसा डालो कि छोटे बच्चे आपसे इम्प्रेस हो। और रही सब्सक्राइबर बढ़ाने के बाद वो मैं अगले वीडियो में सबको बताऊंगा, हम सब साथ मिलके 1 से लेके 15 वीडियो डालते तक में आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए, ऐसे हम साथ मिलके मेहनत करते हैं, प्रयत्न करते हैं, और हम सबका साथ बहुत लंबे टाइम तक रहना चाहिए तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना बड़े बड़े यूट्यूबर हमें कभी आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि मेरे ऑलरेडी 2 चैनल चल रही है तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक नहीं दे सकता क्योंकि वो लोग जलते हैं। क्योंकि मैं आपको सच बात बताता हूँ कि लाइव यूट्यूब में आपको भी मत जाना,
तो जो लाइव आ रहे हैं उसको दिक्कत होती है, तो मेरा यूट्यूब बंद करवाने की कोशिश में लग जाते हैं। इतना व्यूअर भेज देते हैं कि यार हमारे यूट्यूब डिलीट करने की नौबत पर आ जाती है हमारा चैनल। इसलिए मैं उसको तो अभी नहीं दे सकता, लेकिन आप कमेंट करेंगे, हमारे साथ जुड़ जाएंगे, तब हम उसकी लिंक देंगे कि आप अपने चैनल को कैसे ग्रो कर सकते हो, कैसे सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हो, कैसे अपना वीडियो एडिट कर सकते हो, कैसे कैसे सॉन्ग डाल सकते हो, कैसे व्यू ले सकते हो, कब वीडियो डालना है, सब कुछ उस वीडियो में पड़ा हुआ है, उस चैनल में सब कुछ है। लेकिन मैं इस डिस्क्रिप्शन में नहीं दे सकता, क्योंकि वो लोग मेरे चैनल के पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि मैं सही दिखाता हूँ, सही बोलता हूँ और आप लोगों के लिए बोलता हूँ। चलो मिलते हैं अगले बात में, अगले दिन। तो हमारे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और साथ रहना, साथ मिलकर काम करेंगे तो कोई रास्ता मुश्किल नहीं है, लेकिन रास्ता सुनना हमारा काम है और सबको साथ लेके जाना है। सब छोटे यूट्यूबर के चैनल को सब्सक्राइब करते रहो तो आपकी छोटे चैनल को कोई सब्सक्राइब करेगा। आप बड़े चैनल को सब्सक्राइब करो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, करिए, लेकिन छोटे यूट्यूबर के चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उससे उसको अपनी मेहनत में, अपना अपना काम में कुछ उत्साह आता है, कुछ अलग सा दिखता है कि चलो आज मेरे 5 सब्सक्राइब बढ़ गए तो चलो मैं कुछ अच्छा वीडियो डाल देता हूँ। तो इस वीडियो के पीछे मेहनत कीजिए, आप लाइव के पीछे मत मेहनत कीजिए, वहाँ से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। कहाँ से मिलने वाला है वो हम आप साथ मिलकर आपको बताएंगे कि कहाँ से आपको सब्सक्राइबर मिलेगा। और यूट्यूब तो अपना काम करता रहेगा, आप भी अपना काम करते रहिए। चलो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय स्वामी नारायण।